हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र कुमार जायसवाल है और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग कैलिपर के बारे से बात करेंगे, जो फिटर थ्योरी में जो कैलिपर यूज़ करते हैं। जान ही रहे हो कि वर्कशॉप में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। कहीं पर मार्किंग करनी हो या किसी जॉब की मोटाई चेक करनी हो तो इसके लिए हम लोग जनरली इसका उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कैलिपर क्या होता है? कैलिपर एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है जिसका उपयोग हम लोग स्टील रूल की सहायता से करते हैं। ठीक है, कैलिपर एक क्या है? इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है जिसका उपयोग हम लोग स्टील रूल की सहायता से करते हैं। और जो कैलिपर होता है उसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, किस लिए करते हैं? किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई या फिर मोटाई को चेक करने के लिए, या किसी गोल जॉब के व्यास को चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैलिपर इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स होते हैं, ये कुछ इस तरह से होते हैं, देख लीजिएगा। तो कैलिपर क्या होगा? यह एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। इसका उपयोग स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई तथा व्यास की माप लेने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी मटेरियल के बारे से। तो जो कैलिपर होता है उसका जो मटेरियल होगा वो कौन से मटेरियल के होंगे, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग जनरली माइल्ड स्टील के जॉबों को चेक करने के लिए कर रहे हैं। तो माइल्ड स्टील के जॉब को चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, जब बार बार चेक करेंगे तो वो घिस सकता है, उसकी एक्यूरेसी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इससे ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला, ज़्यादा हार्ड वाले मटेरियल का उपयोग करेंगे। इसीलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इसका जो मटेरियल होता है वो रहता है हाई कार्बन स्टील से इसको बनाया जाता है। और साथ ही साथ में इसको और एक चीज़ से, माइल्ड स्टील से भी बनाया जाता है। ठीक है, माइल्ड स्टील से भी इसको बनाया जाता है। अब जो हाई कार्बन स्टील का कैलिपर होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, केस हार्डनिंग और हार्डनिंग किसको किसको करेंगे, जो हाई कार्बन स्टील होगा उसको हार्ड व टेम्पर कर देते हैं, हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। और जो माइल्ड स्टील रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, हार्डनिंग और टेम्परिंग। और जो माइल्ड स्टील का होगा उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, केस हार्डनिंग किया जाता है। ठीक है, कैलिपर कितने, कौन कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं, एक हाई कार्बन स्टील और दूसरा माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। जो हाई कार्बन स्टील का होगा उसको हार्ड और टेम्पर करेंगे, और जो माइल्ड स्टील वाला रहता है उसको सिर्फ और सिर्फ केस हार्डनिंग किया जाता है। इसके पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हार्डनिंग और केस हार्डनिंग हम लोग कब करेंगे, हार्डनिंग कब करेंगे, जब उसमें किसी मटेरियल में कार्बन की परसेंटेज 5% से ज़्यादा हो। यदि 5% से कम होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, केस हार्डनिंग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्टील को हम लोग केस हार्ड कर रहे हैं और हाई कार्बन स्टील को हार्डनिंग और टेम्परिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है साइज़। अगर साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पर कैलिपर का साइज़ हम लोग कैसे लेते हैं, इसके रिवेट के सेंटर से या पिवट पॉइंट के सेंटर से लेके गेजिंग पॉइंट तक की बीच की दूरी से इसके साइज़ को लिया जाता है। ठीक है, रिवेट के सेंटर से या पिवट पॉइंट के सेंटर से लेके गेजिंग पॉइंट तक की बीच की दूरी क्या कहलाता है, कैलिपर का साइज़ कहलाता है। ठीक है, कहाँ से, रिवेट सेंटर से गेजिंग पॉइंट की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, इसका साइज कहलाएगा। या फिर साइज कैसे लिया जाता है करके अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या रहेगा, गेजिंग पॉइंट से रिवेट के सेंटर तक की बीच की दूरी से इसको हम लोग साइज को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है बेंड एंगल। स्क्राइबर यहाँ पर दिखाया गया, इसके दो लेग्स होते हैं, एक और ये दोनों क्या रहते हैं, लेग्स रहते हैं। इसमें एक स्क्रू और नट रहेगा और साथ ही साथ में एक स्प्रिंग रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लेग्स का बेंड एंगल जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके बेंड हुआ है ये लगभग कितने डिग्री का रहता है, 45 डिग्री में इसको क्या किया जाता है, बेंड किया जाता है। इसका एंगल अगर पूछा जाए तो याद रखना, इस कैलिपर का जो बेंड एंगल होता है वो कितना रखा जाता है, 45 डिग्री का बैंड एंगल होता है। साथ ही साथ में इसका जो पॉइंट का एंगल होता है, ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का जो ग्राइंडिंग एंगल होगा ये कितना रखा जाता है, 12 से 15 डिग्री तक रखा जाता है। ठीक है,
पॉइंट एंगल कितना रखा जाएगा, 12 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक इसका ग्राइंडिंग एंगल होता है पॉइंट का। साथ ही साथ में इसका जो लिस्ट काउंट है, अब लिस्ट काउंट कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होना चाहिए, जब हम लोग इसको स्टील रूल की सहायता से इसका मेजरमेंट कर रहे हैं तो स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट होगी वही कैलिपर की भी लिस्ट काउंट होगी। तो इसीलिए इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 0.5 mm होता है, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/2 mm के बराबर होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। कैलिपर दो ज्वाइंटों में आते हैं, एक होगा स्प्रिंग ज्वाइंट और दूसरा कहलाता है फर्म ज्वाइंट कैलिपर। तो स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर का हम लोग ज़्यादातर उपयोग कहाँ पर करते हैं, वर्कशॉप में किया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा कैलिपर है जिसका उपयोग वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर का उपयोग हम लोग सबसे ज़्यादा वर्कशॉप में करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक होता है स्प्रिंग ज्वाइंट और दूसरा होता है फर्म ज्वाइंट कैलिपर। स्प्रिंग ज्वाइंट किसको बोलेंगे, जिसकी दोनों लेग्स आपस में किसी स्प्रिंग के द्वारा जुड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रिंग ज्वाइंट बोलेंगे। और फर्म ज्वाइंट किसको बोलेंगे, जो सिर्फ वाशर और रिवेट की सहायता से जुड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्म ज्वाइंट कैलिपर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, स्प्रिंग ज्वाइंट फ्लैट स्प्रिंग की सहायता से, इसमें कौन से स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है, तो फ्लैट स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। और फर्म ज्वाइंट में रिवेट और वाशर से इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, रिवेट और एंड वाशर का उपयोग करके हम लोग इसको आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, और कौन सी स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर फ्लैट स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है। ये फ्लैट स्प्रिंग, फ्लैट स्प्रिंग की सहायता से क्या हो जाती है, आपस में दोनों लेग्स को जोड़ा जाता है, और फर्म ज्वाइंट में दोनों को रिवेट और वाशर की सहायता से जोड़ा जाता है। स्प्रिंग ज्वाइंट जो कैलिपर होता है वो ज़्यादा शुद्धतापूर्वक किसी जॉब की मेजरिंग कर सकता है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग टेंशन होने की वजह से वो एक्यूरेसी में किसी भी जॉब को क्या कर सकता है, वो चेक करता है। फर्म ज्वाइंट में क्या होता है, ये सिर्फ रिवेट और वाशर की सहायता से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से उसमें हम लोग को एक्चुअल एक्यूरेसी की पता नहीं चल पाता। तो साधारण कार्यों के लिए जनरली हम लोग फर्म ज्वाइंट कैलिपर का उपयोग करते हैं, और थोड़े स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे कि आपको वर्कशॉप में किसी जॉब की मेजरिंग करना हो, तो वहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करेंगे, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर का उपयोग किया जाएगा। ज़्यादातर वर्कशॉप में हम लोग स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर का उपयोग करते हैं। ठीक है, वर्कशॉप में, और ये सिंपल वर्क के लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैलिपर। कैलिपर जनरली तीन प्रकार से होते हैं। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, और एक होता है जेनी कैलिपर। यहाँ पर देख लीजिए, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, और एक कहलाता है जेनी कैलिपर। तो यहाँ पर दोनों, जो आउटसाइड कैलिपर होगा वो भी स्प्रिंग ज्वाइंट और फर्म ज्वाइंट दोनों में आएंगे, इनसाइड कैलिपर भी स्प्रिंग ज्वाइंट और फर्म ज्वाइंट वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ज्वाइंट के अनुसार में आ रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है जेनी कैलिपर जो होता है वो भी स्प्रिंग ज्वाइंट हो सकता है और फर्म ज्वाइंट भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आउटसाइड कैलिपर, यहाँ पर जो दिखा रहा है एक स्प्रिंग और एक फर्म ज्वाइंट, तो ये दोनों क्या है, आउटसाइड कैलिपर हैं। आउटसाइड कैलिपर का उपयोग हम लोग कब करेंगे, जब किसी जॉब की बाहरी डायमेंशंस को चेक करने हो। ठीक है, इसकी लंबाई को, इसकी चौड़ाई को, या इसकी मोटाई को, जब बाहरी डायमेंशंस को चेक करने हो तो हम लोग वहाँ पर किसका उपयोग करते हैं, आउटसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर की दोनों टांगें, दोनों लेग्स हैं वो क्या रहते हैं, अंदर की ओर मुड़ी होती है 45 डिग्री में। दोनों टांगे क्या रहेंगे, अंदर की ओर मुड़ी रहेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। और आउटसाइड कैलिपर का उपयोग एक्सटर्नल मेजरिंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, आउटसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर की दोनों लेग्स अंदर की ओर मुड़ी होती है, अर्धगोलाकार में अंदर की ओर मुड़ी होती है, और इन दोनों पॉइंट्स का जो एंगल होता है वो कितना रखा जाता है, 45 डिग्री में इसको बेंड करके बनाया जाता है। और ये स्प्रिंग ज्वाइंट और फर्म ज्वाइंट दोनों टाइप्स के होते हैं, ज़्यादातर स्प्रिंग ज्वाइंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इनसाइड कैलिपर, यहाँ पर जो दो दिखा रहे हैं
ये क्या है, इनसाइड कैलिपर है। इनसाइड कैलिपर मतलब कि किसी भी जॉब की अंदरूनी साइज को अगर आपको चेक करना हो तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, इनसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाएगा। इनसाइड कैलिपर का उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, इनसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए। मान के चलो कि इस ढक्कन के इस अंदर के साइज को अगर आपको चेक करना हो तो हम लोग इसका उपयोग करेंगे, इनसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाएगा। इनसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए या फिर इंटरनल मेजरमेंट्स के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इनसाइड डायमीटर का उपयोग किया जाता है इंटरनल मेजरिंग के लिए या फिर मेजरमेंट के लिए। किसका उपयोग करेंगे, इनसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है। इनसाइड कैलिपर की दोनों लेग्स क्या रहेंगे, 45 डिग्री में बाहर की ओर मुड़े रहते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है और यहाँ से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना, आउटसाइड कैलिपर मतलब कि बाहरी डायमेंशंस को चेक करने के लिए, इनसाइड कैलिपर मतलब कि इंटरनल डायमेंशंस को चेक करने के लिए। तो जो आउटसाइड डायमीटर होगा उसका लेग्स अंदर की ओर मुड़ी होगी और इनसाइड कैलिपर का लेग्स जो है बाहर की ओर मुड़ी होगी, ठीक है। दोनों में अंतर याद रखना, ये भी स्प्रिंग जॉइंट और फर्म जॉइंट दोनों टाइप्स के आते हैं। नेक्स्ट है जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर होता कैसे है, जेनी कैलिपर की एक लेग्स में क्या रहेंगे, सीधी रहेगी और उस पर क्या रहेंगे, स्क्राइबर्स बने, स्क्राइबर पॉइंट होता है। इसका एंगल रहता है 12 से 15 डिग्री का और इसका बैंड एंगल रहता है 45 डिग्री का, ठीक है। और इसका उपयोग, जेनी कैलिपर का उपयोग हम लोग जनरली कहाँ पर करते हैं, ज़्यादातर किसी जॉब के कॉर्नर से रख कर पैरेलल लाइन खींचने के लिए, ठीक है, किसी जॉब के किनारे से पैरेलल लाइन खींचने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, जेनी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ में किसी जॉब की अगर आपको सेंटर निकालनी हो तो किसी जॉब की सेंटर निकालनी हो तो क्या कर सकते हैं, किसी गोल जॉब की अगर सेंटर निकालनी हो तो हम लोग इस जेनी कैलिपर का उपयोग कर सकते हैं। और जेनी कैलिपर यहाँ पर लिख देता हूँ, जेनी कैलिपर को और क्या नाम से जाना जाता है, हर्मोफ्रोडाइट फ्रोडाइट कैलिपर या फिर इसको ऑडलेक कैलिपर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जेनी कैलिपर को और किस नाम से जानते हैं, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर या फिर ऑडलेक कैलिपर के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग किसी जॉब के समांतर लाइन खींचने के लिए या फिर किसी राउंड बार की सेंटर को निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा एंड यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।